इस ट्यूटोरियल में कैसे सब्सटेंस डिजाइनर में इस तरह की शेप आप क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे एंड इसकी कुछ टूल्स और कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह की कुछ मैंने मटेरियल्स क्रिएट किया हूँ, तो इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कैसे आप सब्सटेंस डिजाइनर में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से फाइल टू न्यू सब्सटेंस में आने के बाद यहाँ फिजिकली बेस्ड मेटालिक रफनेस ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी जो प्रोजेक्ट की नेम है उसे, तो मैं अभी के लिए ट्यूटोरियल 01 इसे नेक्स्ट साइज मोड रिलेटिव टू पेरेंट और एब्सोल्यूट। रिलेटिव टू पेरेंट ये है कि यहाँ पे आपके जितने भी नोट है, जब आप रिलेटिव टू पेरेंट में रखेंगे तो यहाँ पे जो पेरेंट नोट होता है उसकी जो साइज है यहाँ 2K है, तो ये सारे ग्राफ में 2K ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट अब अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो नोट होता है यहाँ 2K होगा, और बाद में जो नोट जब नोट लेते हैं तो वहाँ पे इसकी जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 एंड यहाँ ये जो साइज मोड है रिलेटिव टू पेरेंट, हाइट विथ 2K एंड फॉर्मेट रिलेटिव टू पेरेंट। ओके, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे 5 नोट्स दिखाई देगी, ये नोट। नेक्स्ट इसे आप किस तरह से यूज करेंगे, पहले एक के बारे में बात करेंगे। बेस कलर एक कलर ऐड करने के लिए होता है। सो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म कलर, अब यहाँ से इस जो नोट है इसके कनेक्टर यहाँ पे लगा दीजिए, और लगाने के बाद यहाँ पे आप किसी भी कलर चूज करेंगे तो ये 3D व्यूपोर्ट में दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है यहाँ नॉर्मल, जब आप यहाँ पे प्रेस टैप एंड नॉर्मल नोट की जो आउटपुट नोट है उससे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। एंड नॉर्मल की कुछ इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगी। फर्स्ट इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न में ब्रिक पैटर्न इससे मैं यूज करूँगा, तो इसे भी आप जो कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे नॉर्मल की कुछ इस तरह से सेव आएगा। बट यहाँ जो आप नॉर्मल की वैल्यू चेंज करेंगे तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे जस्ट एक नोट ब्लोर, यहाँ पे ड्रैग एंड टैप ब्लोर ब्लोर नोट। तो ब्लोर नोट की इंटेंसिटी यहाँ से मैं 1 करता हूँ। अभी जब आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो इसकी जो इफेक्ट आप देख पाएंगे। तो ये है नॉर्मल। नेक्स्ट हाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ से जस्ट ड्रैग टैप एंड नॉर्मल टू हाइट, ये नोट। नेक्स्ट इसे मैं नॉर्मल के साथ कनेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से मेटालिक हो गया है। सो शिफ्ट, यहाँ पे जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक करके इस नोट को इसके साथ कनेक्ट करना है। ये हाइट की इफेक्ट आप हाइट की इफेक्ट को देखने के लिए यहाँ से जस्ट ये जो 3D व्यू पोर्ट है 3D व्यूपोर्ट में यहाँ से मटेरियल डिफॉल्ट, नेक्स्ट एडिट में आने के बाद यहाँ जो स्केल वैल्यू है इसकी स्केल वैल्यू जब आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इस तरह से आपकी जो 3D व्यूपोर्ट में चेंज आप देख पाएंगे। तो हाइट इसलिए यूज होता है। तो इस तरह से हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हाइट हो गया है। नेक्स्ट अब मेटालिक, तो ब्रिक में कोई मेटलनेस नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करके नेक्स्ट इसको मेटालिक के साथ कनेक्ट करना है एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसे ब्लैक करना है, ग्रेस्केल। तो यहाँ पे सारे मेटलनेस जो था वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म कलर मैंने इसलिए यूज किया हूँ कि मुझे इस ब्रिक पैटर्न में कोई जो मेटलनेस नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिक में कोई मेटलनेस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है राफनेस। राफनेस जो को कनेक्ट करने के लिए एक नोट होता है हिस्टोग्राम स्कैन एंड और एक नोट होता है हिस्टोग्राम रेंज। नेक्स्ट हिस्टोग्राम रेंज अनदर एक नोट होता है कि लेवल टैब लेवल LEVEL। तो यह लेवल नोट इसकी इस 3 नोट की जो डिफरेंस है मैंने फर्स्ट देखेंगे। सो अगर आप इसे में टू डी व्यू में देखेंगे तो हिस्टोग्राम नोट क्या होता है और हिस्टोग्राम स्कैन, हिस्टोग्राम रेंज, यहाँ पे हिस्टोग्राम पास हो गया है। सो इसे मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, इसे डिलीट। नेक्स्ट तो इस 3 नोट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हिस्टोग्राम स्कैन इस तरह से काम करता है कि जब आप हिस्टोग्राम स्कैन को कनेक्ट करेंगे, तो मैंने इस नोट के साथ कनेक्ट किया है। तो हिस्टोग्राम स्कैन फर्स्ट यहाँ जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है हिस्टोग्राम नोट कनेक्ट स्कैन करता है ब्लैक टू वाइट पॉइंट तक। जब आप इस नोट को यहाँ डालेंगे और इसको यहाँ हिस्टोग्राम स्कैन की जो एक्चुअल वर्क है आपको समझ में आएगी। तो यहाँ से जो पोजीशन वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहले पोजीशंस यहाँ 0 यानी ब्लैक है। नेक्स्ट आप जब इसे इंक्रीज करेंगे तो वाइट पॉइंट दिखेगा। तो इस तरह से ब्लैक टू वाइट को स्कैन करने के लिए हिस्टोग्राम स्कैन नोट यूज होता है। और हिस्टोग्राम रेंज और हिस्टोग्राम लेवल ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, बस इसका काम कुछ सेम है। तो हिस्टोग्राम रेंज बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से। नेक्स्ट आप जब इसका रेंज इंक्रीज करेंगे, रेंज और पोजीशंस बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक एंड वाइट की जो मिडिल वैल्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपकी आप इंक्रीज और डिक्रीज करके आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। और स्कैन जो ब्लैक पूरे ब्लैक से पूरे वाइट तक स्कैन करता है। नेक्स्ट लेवल तो एक फोटोशॉप में भी सेम लेवल है। तो इसमें जब आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद चाहे इसकी जो लेवल Ctrl Z यहाँ से लेवल को कनेक्ट करके आप जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये फोटो सब की तरह ब्लैक एरिया इंक्रीज़ होगा और वाइट एरिया इंक्रीज़ होगा। इस तरह से ये तीन नोट काम करता है। तो यहाँ पे जो नोट यूज करूँगा वो है हिस्टोग्राम रेंज। तो इसे कंट्रोल सी। तो मैंने एक हिस्टोग्राम रेंज नोट लिया हूँ। तो इस कुछ इसके इनपुट में किसी को भी कनेक्ट नहीं किया हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ग्रे कलर दे रहा है। तो आप जब इसे यहाँ पे यूज करेंगे तो इस तरह से इफेक्ट होगी। एंड नेक्स्ट इसको कनेक्ट करना है, हिस्टोग्राम रेंज को कनेक्ट करना है रफनेस के साथ। तो साथ ही साथ ये जो स्पेकुलर था वो अब जब डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे स्पेकुलर आ रहा है, लेकिन अब जब कनेक्ट कर देंगे तो स्पेकुलर रिमूव होता है। नेक्स्ट आपको इस रेंज वैल्यू को चेंज करके जितना स्पेकुलरिटी आपको चाहिए उतना स्पेकुलर आप ले सकते हैं। इस तरह से स्पेकुलर चेंज होता है। नेक्स्ट और एक नोट होता है जो 3D सॉफ्टवेयर में यूज होता है, वो है एम्बियंट ऑक्यूलेशंस। एम्बियंट ऑक्यूलेशंस लेने के लिए यहाँ पे टैप प्रेस करना है एंड आउटपुट लेने के बाद यहाँ पे जो लेवल होता है यहाँ से एम्बियंट ऑक्यूलेशंस एंड यहाँ पे कॉपी आइडेंटिफायर एम्बियंट ऑक्यूलेशंस लेवल। जो लेवल है इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे लेवल कंट्रोल V एंड इसकी ग्रुप मटेरियल ग्रुप इसके साथ कनेक्ट करना है, कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। इससे मटेरियल ग्रुप में एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट एम्बियंट ऑक्यूलेशंस को यूज करने के लिए यहाँ पे सर्च करना है एम्बियंट ऑक्यूलेशंस। नेक्स्ट इसे इसके साथ कनेक्ट करना है। तो एम्बियंट ऑक्यूलेशंस आ गया। नेक्स्ट इसे इसकी वैल्यू आप यहाँ से जितना चाहिए चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यह है बेसिक जो सब्सटेंस ग्राफ है वो कैसे काम करते हैं, इस बारे में मैंने कह दिया। नेक्स्ट इसकी एक नोट की बारे में बात करेंगे। एक नोट की जो हर प्रोजेक्ट में यूज